ईश्वर ने हरियाली की छटा बिखरते हुए एक सबसे सुंदर और कोमल चीज बनाई, जिसका नाम है फूल। जरा सोचा है आपने कि अगर फूल ना होते तो क्या होता? फैलाकर अपनी सुगंध महकता है वो तन मन को, रंग बिरंगी दुनिया में अपनी सजाता उपवन को। रहकर कांटों के मध्य भी न कभी शोक मनाता, और बन श्रृंगार औरत का पुष्प सदा मुस्कुराता। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ बोटानिकल प्रिंटिंग वॉज फाउंड इन द मैनुअल्स ऑथर्ड बाय डिस्कॉटिस। He was a pharmacologist and he belonged from ancient Greece. वैसे तो इसका नाम बोटानिकल प्रिंटिंग है, लेकिन हम चाहे तो इसे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज और इनके साथ भी कर सकते हैं। हाँ, उन्हें मारिएगा मत। टेक्नोलॉजी एडवांस होने से पहले जब हमारे पास मैक्रो लेंस या फिर माइक्रोस्कोप जैसे यंत्र नहीं हुआ करते थे, तब आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर्स हमारे बोटानी वर्ल्ड के सौंदर्य को अथवा हॉर्टिकल्चर नॉलेज को कुछ इस प्रकार दर्शाते थे। और ये सब लगभग हमारे मध्यम युग यानी कि मिडिल एज के दौरान रिकॉर्ड की गई है। चलिए अब हम इन्हें रंग देते हैं।